ओके स्टार्ट करते। तो नया फॉर्मेट क्या है और इसमें हमको क्या बदलाव हमारी रणनीति में करने हैं। पहला तो ये है कि समय बहुत कम है, जिस हिसाब से फॉर्मेट चेंज हुआ है कि अब समय नहीं है और हमने एक निश्चित पैटर्न में तैयारी कर करके और एक फॉर्मेट बना लिया है लिखने का, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर करके और एक फॉर्मेट फिक्स कर लिया है। तो उस पैटर्न को अब इतने से समय में चेंज करना तो खुद में ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो इस तरह का, ठीक है, तो ये भी खुद में एक चुनौती है। तो इस चुनौती को की वजह से ज्यादातर विद्यार्थी परेशान है, पर फिर भी पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव है और क्या क्या सुझाव है, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला तो प्रश्न कॉपी में ही लिखे होंगे और जैसे इस तरह यहां दिखाया गया है, हालांकि छोटा है पर ये फिक्स स्थान हमको दिया गया है, प्रश्न कॉपी में ही है, निश्चित लाइनें दी गई हैं, उसी में हमको लिखना है। जैसे 3 मार्कर में 3 लाइनें दी गई हैं, 6 मार्कर में लगभग 11 लाइनें दी गई है और हमसे कहा गया है 100 वर्ड्स लिखने को। ठीक है, 11 लाइनों में लगभग 100 वर्ड्स, तो ये हमारे लिए चुनौती है क्योंकि कुछ कि हम अब तक कुछ स्टूडेंट्स एक लाइन में 5 से 6 शब्द लिखते थे दूरी मेंटेन करने के लिए, तो अब उन्हीं स्टूडेंटों को बोला जा रहा है कि आप एक लाइन में लगभग 10 शब्द लिखिए, जो कि बहुत टफ है। तो इस वजह से एक अभ्यास जो जिस तरह से हमने अब तक किया है उस अभ्यास में बदलाव सबसे बड़ी चुनौती है, तो इस वजह से थोड़े से बच्चों में तनाव है, कुछ बच्चों में इस वजह से तनाव है। दूसरा 15 मार्कर, उसमें एक पेज में लगभग 24 लाइन है और 3 पेज दिए गए हैं, तो 15 मार्कर में सच कोई ज्यादा चुनौती नहीं है क्योंकि पर्याप्त स्पेस दिया गया है, तो 15 मार्कर में इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है 3 मार्कर में, जहां हम एक पेज में 3 3 मार्कर लिखते थे, केवल 3 3 मार्कर, ये और ये, और इवन कुछ टॉपर्स तो क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2 2 3 मार्कर लिखे हैं। ठीक है, 2 2 1 पेज में 3 मार्कर लिखे हैं, तो वो पैटर्न अब बदल गया है और उन्होंने खुद ने ही आपको एक पेज में 5 3 मार्कर लिखने को बोला है। तो 3 मार्कर में सबसे बड़ी चुनौती है, 6 मार्कर में उससे भी बड़ी चुनौती है क्योंकि एक पेज में 2 6 मार्कर दिए गए हैं 10 लाइनों के, जबकि पहले लगभग एक पेज में 1 6 मार्कर लिखा जाता था और कुछ कुछ बच्चे 2 2 पेज तक भी जाते थे, तो यह सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक, तो क्या पैटर्न है यह हमने समझा समरी में कि 3 मार्कर में फिक्स 3 लाइनें दी गई हैं, 6 मार्कर जो हम एक पेज में लिखते थे अब एक ही पेज में 2 6 मार्कर लिखने हैं 10 लाइनों में लगभग 10 और 11, और 15 मार्कर में एज सच कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है, अब इस पैटर्न से यह समझ में आता है कि शब्द से ज्यादा लाइन है, क्यों, क्योंकि देखो अभी जैसे उन्होंने बोला कि आप 100 वर्ड्स में लिखें तो लाइनें 10 ही दी हैं, हम कैसे 100 वर्ड्स में लिखें। ठीक है, और आप 10 से 20 शब्दों में लिखें तो 3 मार्कर तो हम अब भी पहले भी फॉलो नहीं करते थे, 3 मार्कर तो कोई बड़ी मुश्किल से कोई लिखता होगा या उसको कम आ रहा होगा या उससे प्रश्न बन ही नहीं रहा है, तब जाके वो 20 25 शब्दों में लिखता होगा। ठीक है, नहीं तो ये फॉलो नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना शब्द सीमा वो कुछ भी दे दे पर लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 3 मार्कर में 3 लाइनें हैं और सभी स्टूडेंट जितनी लाइनें हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे, ये भी तय बात। ठीक है कि भाई जो पैटर्न चलेगा ना उसमें जितनी लाइनें हैं उन सभी लाइनों को भरने का प्रयास करेंगे, कुछ के अब तक शब्द बड़े लिखते थे तो वो रीस्ट्रक्चर करेंगे, छोटे लिखेंगे, ज्यादा कंटेंट उसमें लिखेंगे। ठीक, तो शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लाइनें महत्वपूर्ण है कि कितनी लाइनें प्रोवाइड की गई है, हम उसी के हिसाब से कंटेंट लिख सकते हैं। केस स्टडी पेपर 4 में उन्होंने क्या किया है, पेपर 4 में भी हम
थ्री मार्कर बड़े बड़े लिखते थे तुलनात्मक रूप से, क्योंकि टाइम रहता था और हम थ्री मार्कर ज्यादा लिखते थे पेपर वन टू थ्री की तुलना में। तो अब लेकिन उन्होंने थ्री मार्कर में भी वही स्पेस दिया है, इसमें फोर्थ पेपर में के थ्री मार्कर में भी वही तीन लाइनें दी हैं। तो एथिक्स का थ्री मार्कर और अन्य पेपर का थ्री मार्कर सेम ही है, अब अपन ज्यादा उसमें भी नहीं लिख सकते। सिक्स मार्कर में उन्होंने लाइनें चेंज की है, एथिक्स में अराउंड 25 लाइंस हैं, अगर फाइनल कॉपी में भी ऐसा ही रहता है तो एक सिक्स मार्कर दो पेज में लिखना है, यानी अराउंड 50 लाइंस हमारे पास हैं, ठीक है, दो पेज में लिखना है, 50 लाइंस हमारे पास हैं। तो सिक्स मार्कर तो और भी ज्यादा जगह दे दी है उन्होंने, पहले हम सिक्स मार्कर बहुत हद से हद स्ट्रेच करके भी दो ही पेज में ले पाते थे, क्योंकि 150 शब्द लिखे थे उन्होंने, है ना, और अभी भी वही है। तो 150 शब्द हमसे बनते ही नहीं थे उसमें सिक्स मार्कर में, एथिक्स में, जो सामान्य तय बच्चों की प्रॉब्लम है वो। तो अब उन्होंने उसमें पर्याप्त जगह दी है, 25 लाइनें और बढ़ा दी है। अगर सामान्य 20-20 11 21 21 22-22 लाइन होती तब भी कुछ लाइनें कम होती, तो एथिक्स में जहां हम पहले ही थोड़ा कम लिखते थे या सिक्स मार्कर में लिखने में थोड़ा चैलेंज होता था, तो वहां उन्होंने लाइनें बढ़ा दी है, तो वहां आपके पास पर्याप्त लिखने को स्पेस है, ठीक। फिर केस स्टडीज, केस स्टडीज में उन्होंने दो तरह की केस स्टडी ली है, एक 35 एक 30 मार्क्स की, ये जिसमें तीन प्रश्न होंगे 10-10 नंबर के, तीन प्रश्न, ठीक है, केस स्टडीज में, ठीक है। तो 30 अंकों की पहली, उसमें तीन प्रश्न और एक प्रश्न 10 नंबर का, और उसके लिए जगह दिए उन्होंने लगभग दो पेज। पहले प्रश्न में 2.5 पेज हैं, क्यों, क्योंकि आधा पेज केस स्टडी लिखने में फुलफिल हो गया है, तो उन्होंने 2.5 पेज दिए पहले प्रश्न में, 2.5 पेज, और बाकी अन्य प्रश्नों में, यानी कि तीन प्रश्न है पहले में 2.5 और दूसरे और तीसरे में 2-2 पेज, और यह है 10 मार्क्स का। तो केस स्टडीज में जो प्रश्न पूछते थे वो पहले ही हमको उसमें लिखने में, सामान्यतः जो बच्चे हैं उनको कंटेंट ही नहीं मिलता था उतना। तो हालांकि 7 नंबर और 10 नंबर के केस स्टडीज के प्रश्न आते थे, पर उतना कंटेंट मिलता ही नहीं था। जैसे कारण पूछेगा कि भाई ये कारण लिखें, तो एक पेज और 1.5 पेज में हो जाते थे। तो केस एथिक्स में पर्याप्त स्पेस दिया है और भी ज्यादा स्पेस दिया है, ठीक है। तो वहां हमको कंटेंट उन्होंने आशा की है कि ज्यादा लिखे, ठीक है, जहां पहले ही थोड़ा कम लिखते थे और वहां पर हम स्पेस कैसे ना कैसे भरने की कोशिश करते थे, तो वहां और ठीक से स्पेस दे दिया है। सेकंड प्रश्न जो सेकंड केस स्टडी है, उसमें पहले में 1.5 पेज, चूंकि 7 नंबर की है, एक प्रश्न 7 नंबर का है, इसमें 5 प्रश्न आएंगे, 35 मार्क्स की यह है, तो 1.5 पेज पहले में दिया है क्योंकि आधे पेज में केस स्टडी आएगी और दूसरे में एक एक पेज, तो ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें आराम से लिखा जाएगा और इसमें लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो और रफ स्पेस दिया है, जो शायद वही यूज करेंगे, हमारे कोई ज्यादा काम का है नहीं, कुछ मैथ्स के पेपर में जरूर हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्पेस दिए हैं इस तरह से, तो दाएं साइड उन्होंने अंक के लिए जगह छोड़ी है और बाएं साइड में कुछ नहीं है। पहले हम प्रश्न लिखते थे यहां पर, सेकंड का बी, सेकंड का सी, इस तरह से, अब तो प्रश्न लिखे हुए ही हैं तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर ऐसे ही स्पेस छोड़ा गया है। एक तरह से राइट और लेफ्ट और राइट में भी बाउंड्री बनाई है ताकि हम इससे बाहर ना निकल सके। हम तो अगर यहां पर ये बाउंड्री ना होती तो ये जो बीच का जगह है इसको भी यूज कर लेते, भाई कई बार किसी प्रश्न में ज्ञान ज्यादा रहता है, स्पेस कम पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन अब ये बाउंड्री दी गई है, इसका मतलब यही है कि हमको इसी सीमा में लिखना है, तो इसका आप पालन करें। अगला है, लिखने के अभ्यास में क्या बदलाव करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से सुनिएगा। लिखने के बदला अभ्यास में क्या, दाएं तरफ कुछ विद्यार्थी
जो भी टॉपर्स की कॉपी या टॉपर्स के कहने पर सुझाव देने पर उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया कि लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो इस प्रश्न का जो राइट साइड है यहां पर, यहां पर, और जो पूरी कॉपी का जो लेफ्ट साइड है, जो हमारे आंसर का लेफ्ट साइड है ना, इस पर ये जगह छोड़ी जाती थी। ये देखो यहां पर बहुत सारी जगह है, ठीक है, ये जगह अब हम नहीं छोड़ सकते, इस जगह को हमको भरना पड़ेगा, ठीक है, ये जगह हम नहीं छोड़ सकते। तो जो प्रश्न संख्या के राइट साइड में जो हम जगह छोड़ते थे, जस्ट ये, या उत्तर के लेफ्ट में जो जगह छोड़ते थे, कॉपी के लेफ्ट में जो जगह छोड़ते थे, ये जगह अब हम नहीं छोड़ सकते। सिंपल सी बात, ठीक है, ये जगह अब हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फर्स्ट ये पॉइंट हमको सुधार करना है, और ये कई बच्चे कर रहे थे, हमने भी कई कॉपीज आपसे डिस्कस की थी तो उसमें भी ये था, और अच्छा भी लगता था पहले पैटर्न में, इवन टॉपर्स में ने भी वो चीजें, वो सुझाव दिया है। अगला, चांद और सूरज, ठीक है, ये तो अपन बनाते ही थे, अभी एग्जाम्पल भी दिखेंगे ऐसे करके, कारण कारण, और कुछ तो ऐसे लिखते थे उपाय, इस तरह से, तो लंबवत भी चलता था, क्षैतिज भी चलता था, और फिर ऐसे किरणें निकलती थी, तो ये किरणें बंद होंगी अब, क्योंकि ये स्पेस अब नहीं मिलेगा। हालांकि जैसे अगर हमको कुछ तीन ही शब्द लिखने हैं, और जैसे पुस्तकें, पुस्तकें लिखनी है ना, मान लो तुलसीदास जी की तीन पुस्तकें, तो इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया जा सकता है, अगर किसी को कॉपी को ठीक से दिखाना है तो, लेकिन वो तीन लाइनों में ही कवर होगा, जो तीन लाइनें दी हैं उसी में कवर होगा, लेकिन आप बचें इस सब सजावट से और सिर्फ तीन पुस्तकों के नाम लिखें आप, ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न अब नहीं चलेगा। ये देखो, ये एग्जाम्पल हमने दिया है यहां पर, ये इस तरह का, और ये इतना स्पेस, और स्पेस जैसे यहां तो ठीक है, आप देखो दोनों एग्जाम्पल लिए गए हैं, बड़े ध्यान से आप देखना, इसमें पुस्तकें लिखी हैं बस, तो ये ठीक आ रहा है, पुस्तकें लिखी हैं तो ठीक है, नाम आ जा रहा है, लेकिन यहां देखें आप राइट साइड में कि इस, ये जो भी है चंद्रमा या सूरज जो भी है, इसकी वजह से ये जो पॉइंट है, ये एक लाइन में या दो लाइन में आ सकता था, पर ये तीन लाइन ली है इसने, और लाइन इंपॉर्टेंट है इस बात, ठीक है, यहां पर ये दो में आया है, ये एक में आ सकता था, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अपन नहीं कर सकते अब, ठीक, तो ये पैटर्न बदलना होगा, ठीक, ये पैटर्न हमको अब बदलना होगा। दो पॉइंटों के बीच में एक लाइन छोड़ते थे ज्यादातर स्टूडेंट्स, देखिए ये एग्जांपल है, देखिए ये कि दो पॉइंट्स के बीच में लाइन छोड़ी जाती थी ताकि पॉइंट स्पष्टता से दिखे, ये लाइनें अब हम नहीं छोड़ सकते, ये जरूर लिख लेना, लाइन ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड स्पेस नहीं है, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स स्पेस नहीं है, फिक्स लाइनें दे रखी हैं। अब आप ऐसा कुछ क्रांतिकारी ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन में ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो आप देख लो आपकी कॉपी कैसी होगी, और शब्द सीमा भी तय कर रखी है, वो सोचे कि सर मेरी तो लेखन बहुत छोटी है तो ऐसा लिख दूंगा, ऐसे नवाचारी उपाय ना करें और शब्द सीमा में ही लिखने का प्रयास करें, जो आयोग चाह रहा है उसी तरह का आप उसके अनुसार फॉलो करें कि ठीक है, शब्द सीमा में संक्षिप्त गुणवत्तापूर्ण उत्तर लिखना है तो वही लिखना है, ठीक, तो इस तरह से आप दो पॉइंटों के बीच में फ्लो चार्ट बनाएं, अगर फ्लो चार्ट आपको लग रहा है बनाएं, लेकिन अब स्पेस कम यूज करना होगा। जैसे देखो ये एग्जांपल है फ्लो चार्ट का, इसमें बहुत सारी लाइनें खराब हुई हैं हमारी, ठीक है, इस तरह का फ्लो चार्ट अब नहीं आएगा, अब अगर आपको बनाना है तो आप दो लाइनों में इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, दो लाइनों में आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो ये फ्लो चार्ट का है, आप इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब शब्दों के बीच में स्थान, देखो दो उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जैसे इन्होंने यहां से स्टार्ट किया तो ये स्पेस खराब हो गया यहां, ठीक है, ये चलो एंड है तो एंड तो ठीक है, तो एक तो इस तरह का स्पेस खराब होता है, ठीक है, यहां ये,
दूसरा, शब्दों के बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, ये देखिए कि शब्दों के बीच में बहुत सारा स्पेस है, ये देखिए, और एक लाइन में सिर्फ 5 या 6 शब्द आ रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो आपको आयोग ने ही कहा है कि हमने 10 लाइनें दी हैं और 100 शब्द आपसे लिखा रहे हैं, तो आप एक शब्द, एक लाइन में 10 शब्द लिखें। अगर थोड़ी विड्थ भी बढ़ गई हो कॉपी की, भाई हम मानते हैं थोड़ी चौड़ाई बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी कितनी बढ़ेगी, डबल तो नहीं हुई है कॉपी। ठीक है, तो अगर थोड़ी विड्थ, जैसे ये स्पेस आयोग ने कम कर दिया है, ये स्पेस तो पूरा का पूरा है अभी भी नंबर के लिए, तब भी अगर यहां भी कॉपी आ गई है तब भी डबल करने हैं हमको शब्द, तो ये पैटर्न हमको चेंज करना है। इस तरह से हम शब्दों के बीच में स्थान नहीं दे सकते। ठीक है, अगला, मुख्य बिंदु ही लिखें, सहायक शब्द लिखने से बचें, ग्रामर और इन सब का उपयोग ना करें। ठीक, कि जैसे ये वाला एक एग्जांपल हम देखते हैं कि दो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखिए, कोई दो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके नाम लिखिए। तो अब तक हम क्या करते थे कि ग्रीन हाउस गैसों के तो हम 6 के नाम लिख सकते हैं, 2 के हमने नाम लिखे और यहां पर ग्रीन हाउस गैस को भी परिभाषित कर देते थे कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। देखो ये RPSC ने चेक किए कॉपी, 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम, 2 में से 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, अब ये मैं सोचना सर हमारे तो 3 नंबर का है, तो 1 नंबर ग्रीन हाउस गैस की परिभाषा भी, तो अब भैया आपका डेड डेड है ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो यहां पर डेड 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 नंबर देगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस सिर्फ नाम लिखने की प्रवृत्ति आप रखें, सिर्फ जो पूछा है वो लिखने की प्रवृत्ति अब हमको बढ़ानी पड़ेगी। शब्द का पुनः, प्रश्न के शब्दों का पुनः प्रयोग न करें। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, विशल ब्लोवर क्या है, तो देखो विशल ब्लोवर का अर्थ है, अब ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है विशल ब्लोवर, क्यों, क्योंकि प्रश्न टाइप्ड आएगा तो वहीं लिखा हुआ है, आप डैश लगाएं और परिभाषा दे बस, ये रिपीट ना करें आप। कई बच्चों की लिखने में ये आदत रहती है कि वो जब तक कि वो रिपीट नहीं कर देते उस प्रश्न को, या एक वाक्य में लय नहीं बनाते हैं, एक वाक्य सेंटेंस को नहीं बनाते हैं, तब तक उनको लिखने में मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि पूरी अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो शब्दों का रिपीटेशन ना करें आप। दूसरा, जो प्रश्न पहले बन रहा है उसका चयन कैसे करेंगे, पूरी कॉपी तो हम पलट नहीं सकते, तो संभवतः संभावना है कि कॉपी के लास्ट में प्रश्न पत्र या प्रारंभ में प्रश्न पत्र भी अलग से आएगा। ठीक है, जिसको आप इसमें से अलग कर सकते हैं, जैसे UPSC में आता है, ठीक है, इसमें से फाड़ के अलग कर सकते हैं, वो चिपका रहेगा, ऐसा नहीं फाड़ के आप कॉपी को बीच में से फाड़ दें। ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्टर बता देंगे, संभवतः ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र तो घर लाना रहेगा ना हमको, तो प्रश्न पत्र तो अलग से देंगे, संभवतः ऐसा है ना। तो जैसे ही प्रश्न पत्र हमने अलग किया, उसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि कौन कैसा पेपर आया है और कौन से प्रश्न हमसे बहुत आसानी से बन रहे हैं और इनको हम पहले से कर सकते हैं, तो प्रश्नों का चयन हम इस तरह से कर पाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे हमने प्रश्नों का चयन किया, फिर हमने सोचा कि ये 15 मार्कर तो मैं मुझसे तुरंत बन रहा है और मैं बहुत जल्दी इसको लिख सकता हूं, तो आप जाके उस पेज पे 15 मार्कर लिखेंगे। ध्यान रखना, हड़बड़ाहट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में लिख दिया है, काटने की जगह यहां नहीं है, दूसरे में मैंने यही लिखा है शब्द और लाइन, अब हम काट नहीं सकते शब्द और लाइनों को। पहले हम ऐसा करते थे कि इस पेज में हमसे गलती हुई और हम ऐसे क्रॉस कर देते, और हम जैसे यहां हमने गलत लिखा इसको हम काट देते थे, दोबारा लिखते थे, अब ये नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता है। और ज्यादा मेजर अपन का भाई शब्द तो अपन जरूर काट देते थे, कुछ गलत शब्द स्टार्ट हुआ हो या वो हुआ हो, लेकिन जब गलत प्रश्न या गलत तरीके से प्रश्न समझ के हमने लिख दिया है तो हम ऐसा पूरा काटते थे, ये अब हम नहीं काट सकते।
इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा तो एक तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जिस प्रश्न का उत्तर जहां है वहीं आप लिखें। ठीक है, अब समरी अगर हम बताएं तो जो कुछ बच्चे सजावट के बेसिस पे कॉपी बनाते थे, हम भी सजेस्ट करते थे कि अच्छा डायग्राम बनाएं, अच्छा स्पेस रखें कॉपी में अगर दे रखा है तो अच्छी, ताकि कॉपी आपकी प्रॉमिसिंग लगे, अच्छी लगे। अब उसकी बजाय आपका कंटेंट, सामग्री कैसी है आपकी, उन सब पर बल होगा। ठीक है, और अगर जैसे फ्लो चार्ट और ये तो एक ही लाइन में बनने वाले फ्लो चार्ट, जैसे इस शब्द से ये आया, इस शब्द से ये आया, इस तरह के फ्लो चार्ट बनेंगे और इस तरह का हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कुछ अभी के लिए, जो इस तरह से हम तुरंत स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं। आगे तो आयोग से एक निवेदन है कि वेबसाइट पर थोड़ी स्पेलिंग गलत है, तो वो स्पेलिंग वेबसाइट सुधारे, मतलब आयोग सुधार ले, ताकि, क्योंकि बच्चों का भी विश्वास उससे बनता है। ठीक है, ठीक है, आज इस सेशन में तो यही है। धन्यवाद।